बांग्लादेश के आतंकवादी, बांग्लादेश के नकली नोट चलाने वाले लोग, बांग्लादेश की गो तस्करी करने वाले लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे अपनी मौसी का घर। पश्चिम बंगाल में आते हैं, बोले ममता जी हमारी मौसी है। ये दीदी नहीं है भाई साहब, ये बांग्लादेश के असामाजिक तत्व नकली नोट चलाने वाले गो तस्करों की मौसी है, उनको संरक्षण दे रही है। क्या इस प्रकार गो तस्करों को अपने प्रदेश में लाकर आज मैं जहां भी जाता हूं, अभी मैं हवाई जहाज में आ रहा था, मुझे रायपुर से एक कार्यकर्ता मिला। मैंने कहा कैसे? बोले कलकत्ता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा रेडीमेड का व्यवसाय। तो मैंने कहा कलकत्ता आते हो? तो बोले हाँ, कलकत्ता में बांग्लादेश का लेबर बहुत सस्ता है। बांग्लादेश का? बोले हाँ, वो बांग्लादेश की घुसपैठिया आ गए, एक कमरे के अंदर 10-10 मशीन रहती है, 12-12 बच्चे रहते हैं वहां पर, और सब मशीन चलाते हैं, और जो रायपुर में शर्ट हम 25 रुपए में सिलते हैं वो यहाँ 12 रुपए में और 10 रुपए में सी देते हैं। ये बांग्लादेश के घुसपैठिए यहाँ पर आकर बंगाल के स्थायी नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति के कारण घुसपैठिए हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, और वास्तव में जो पश्चिमी बंगाल के नौजवान हैं उन घुसपैठियों के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या घुसपैठियों को इस प्रदेश में जगह देना चाहिए क्या? यदि ममता जी इस प्रकार बांग्लादेश के घुसपैठियों को आपके प्रदेश में लाकर वोट बैंक बना रही हो, तो क्या ममता जी को क्षमा किया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ममता जी को क्षमा नहीं किया जा सकता। যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।